मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरी शादी के 4 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। ससुराल में मेरे पति और ससुर के अलावा और कोई नहीं था। पति के गुजर जाने के बाद मैं अपने मायके चली आई। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज़्यादा लग रहा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि मैं अपने लड़के की बहू को घर ले जाने आया हूँ। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। मेरी माँ बोली, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, वह कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। मेरे पिता कहने लगे कि अगर वह मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो बहू। दोस्तों, मैं भी सौतेली माँ के व्यवहार से तंग आ गई थी, इसलिए मैं भी अपने ससुर जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ससुराल पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू एक कप चाय बनाओ। मैं रसोई में जाकर चाय बनाकर लाई। देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी और तुम्हारी सास भी 10 साल पहले गुजर गई, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ समय बीत गया। 5 महीने के बाद एक रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी रात 12 बजे करीब मेरे कमरे की कुंडी खड़की। मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे ससुर ही होंगे। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने उठी। दरवाज़ा खोल ही मेरे ससुर ने मुझे बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लिटाया, फिर मैं तेल लेकर आई और अपने ससुर की मालिश करने लगी। फिर मैंने अपने ससुर को देखा तो वह मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट लगी है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू तुम बस मालिश कर दो, मुझे इसी से आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे डर महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं लेट जाओ, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेला कैसे जा पाऊँगा, इससे अच्छा है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो ही मैं कहूँगा। उनकी यह बात सुनकर मैं घबरा गई और चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहिए क्या बात है। मेरे ससुर जी
थोड़ा हककर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी शांत नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। उनकी इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि कोई कुछ ना कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी आप यह क्या कह रहे हैं, आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है। मेरे ससुर बोले, देखो बहू मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम एक दूसरे का साथ दें। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया, मैं कुछ कह नहीं पाई। एक और सौतेली माँ के अत्याचार से दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई, अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोचती रही। ससुर की बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन यह सब बातें अपने पापा से करने की मुझमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में नई समस्याएं आ सकती है, इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ, मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी हो। दोबारा ससुर जी से यह बात सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया। अति का मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया को बिल्कुल अकेले हो जाऊंगी, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं व्यक्त की, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों में मुझे भीतर एक झकझोर कर दिया था। जब मैं भी सोने को जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती। वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। यह सही है क्या, यह समाज के लिए नियमों के खिलाफ नहीं जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैंने सोचा कि आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से अधिक मजबूत हो गया है। वह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।